नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूँ आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए एक नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। रफेल इंडक्शन सेरेमनी, वायु वीर रफेल एयरफोर्स में रक्षा मंत्री ने भारत के दुश्मनों को दी चेतावनी। कंगना वर्सेज शिवसेना का सातवां दिन, उद्धव पर टिप्पणियां करने पर कंगना के खिलाफ FIR, अब कहा तुम कुछ नहीं सिर्फ वंशवाद का नमूना हो, शिवसेना सोनिया सेना बन गई। आज भी जेल में ही कटेगी रिया चक्रवर्ती की राह, सेशन कोर्ट ने रिया और शोवी की जमानत और फैसला कल तक के लिए किया सुरक्षित। एक्ट्रेस के वकील का दावा, नारकोटिक्स ब्यूरो ने बनाया था दबाव। हरियाणा किसान रैली के भाकियों के प्रदेश अध्यक्ष चढ़ूनी पहुंचे, बोले सरकार वादा भूली। हिमाचल के कुल्लू में अवैध कब्जे को लेकर विधायक के होटल के बाहर भाजपा ने दिया धरना। हिमाचल भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिमला में कंगना के समर्थन में किया प्रदर्शन, करनी सेना ने संजय राउत का जलाया पुतला। पंजाब के गांव खानकोट का रहने वाला है और जमीन भी है आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में कई खुलासे। पंजाब में स्मार्ट स्कूल मुहिम को मिला भरपूर समर्थन, 6000 स्कूलों का स्मार्ट स्कूली में बदला। हरियाणा में अब किसानों की विशाल रैली, पुलिस की लाठीचार्ज, विधायक बलराज कुड्डू गिरफ्तार। हरियाणा में गैर HCS श्रेणी में अब कॉलेज प्रोफेसर भी बन सकेंगे IAS, जल्द बदलेंगे नियम। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटूंगे आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए अर्थप्रकाश टीवी। अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताजा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।